चलिए आज ट्रेन टिकट बुक करते हैं। सबसे पहले IRCTC ऐप को ओपन करना है, ट्रेन में जाना है, बुक ट्रेन में जाना है, अपने स्टेशन को चॉइस करना है कहाँ से आप चढ़ना चाहते हैं और कहाँ पर उतरना चाहते हैं। तो हम डुमराव से चढ़ना चाहते हैं और गाज़ियाबाद से उतरना चाहते हैं और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है। तो चलिए डेट सिलेक्ट करते हैं, 5वां महीना 31 तारीख को हम डेट सिलेक्ट कर लिए। ओके, सच ट्रेन पर क्लिक करना है, अपने ट्रेन को जो कोच है उसको चॉइस करना है, आप किस में बुक करना चाहते हैं। हम स्लीपर पर करना चाहते हैं, 151 खाली है। उसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से नाम ऐड करके रखा है तो उस पर क्लिक करें, तो उस पर क्लिक कर दिए और सिलेक्ट पैसेंजर पर हम ओके करेंगे। आगे ऐसा आएगा, यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसा आएगा, उनका नाम आएगा, दूसरे पैसेंजर का नाम आएगा, उम्र आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपने पहले से ऐड करके नहीं रखा है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू पैसेंजर का नाम डालना है, एज डालना है और वो पुरुष से है महिला है वो डालना है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट दिखाएगा, लोअर मिडल अपर साइड वाले लोअर साइड वाले ऊपर का सीट, तो ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे तो आपका पैसेंजर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग पहले से ऐड कर लिए हैं तो इसको हम ख़त्म करते हैं। आप नीचे आएंगे, इसमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो इसमें हम अपने मोबाइल नंबर डाल लेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, और नीचे दिया है पेटीएम फ़ोनपे ये सब UPI, तो हम नीचे वाले से पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम सब डिटेल भर लिए। और उसके बाद भरने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करना है, रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं, एक बार पूरा डिटेल अच्छे से देख लें। उसके बाद नीचे आएँ और ये इस कैप्चा को इसमें डाल दें जैसे मैंने डाला है। और उसके बाद यहाँ पर पे हम जो रेड वाला बटन है यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यस कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, तो मैं पेमेंट फ़ोनपे से करना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर दिया, फ़ोनपे चॉइस किया और उसके बाद यहाँ पर पे के ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसमें अपनी मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सेंड के ऑप्शन है, इस पर हमें ओके कर देना था। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, सेंड OTP पे हम क्लिक करते हैं, OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है, तो OTP को हम डाल देते हैं। इसके बाद वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर देंगे हम आगे, और अपने फ़ोन पे को ओपन करना है तो हम फ़ोन पे को ओपन करते हैं। ये बता रहा है पे के लिए, तो पे पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर पे पे क्लिक करेंगे और अपनी पासपोर्ट डालकर आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो मैंने पासपोर्ट डाल दिया और हम क्लिक करते हैं और ये हमारा पेमेंट यहाँ से हो रहा है, ये पेमेंट हो गया। अब हम जाके देखते हैं अपनी IRCTC में, तो यहाँ पर दिखा रहा है टिकट आपका बुक हो गया। तो ये हमारा टिकट है बुक हो गया, जैसे मैंने हमने चॉइस किया था वैसे ही सीट भी मिला है। हमने एक साइड लोअर किया था तो साइड लोअर मिला है और एक साइड अपर हमें मिला है, ठीक है।